अग्निपथ अग्निवीर एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो मान के चले कि 3 से 4 नंबर आपका कम आएगा, और 3 से 4 नंबर कितना महत्व रखता है वो आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन कई बार फाइनल मेरिट लिस्ट में छट जाते हैं क्योंकि उनका नंबर 0.25 से कम हो जाता है, 0.1 से कम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं और करंट अफेयर से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली नंबर आते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माधवी पुरी बुच। अब देखिए यह पहली बार हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में किसी महिला को बाजार नियामक के महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया है। अगला कि भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने किस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण पदक। अगला कि यूरोपीय संघ यानी कि EU ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूक्रेन। अगला कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत। देखिए गूगल प्ले पास की मदद से एंड्रॉयड यूजर बिना विज्ञापन के ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। अगला कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। अगला है कि अमेरिका यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। देखिए राजस्थान जो है कि ऊंट राजस्थान राज्य का पशु है और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊंट का घर कहा जाता है। आपको पता है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये दिन जो मनाया जाता है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए पहली बार ये जो है कि 1972 में मनाया गया था। अगला कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने निम्न में से किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, विद्या बालन। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी कंपनी हो उसका जो प्रचार प्रसार करता है उसको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। देखिए विद्या बालन जो है कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में #DoTheSmartThing चैंपियन को बढ़ावा देने का काम करेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने डेस्टेंट यहाँ पर देखिएगा, दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति DN पटेल। अगला क्वेश्चन है कि जेट एयरवेज के CEO निम्न में से कौन बन गए हैं बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाकिस्तान। 2018 से ही देखिए पाकिस्तान इस लिस्ट में है और फिर भी अभी इस साल भी उसको बरकरार रखा गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये विविध वाले में भी पूछता है, दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च। इसकी थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा। देखिए इसके साथ ही त्रिपुरा में जघन्य अपराधों में 30% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह Noor 2 प्रक्षेपित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ईरान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं
पॉइंट अगला कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा UAE। किस राज्य में मानस नेशनल पार्क को और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। देखिए इससे एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वह असम में। और देखिए एक चीज़ और बता दें कि साल 2010 में यहाँ पर बाघों की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन साल 2020 में जो बाघों की संख्या हो गई वो बढ़ करके कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इस प्रकार से बहुत तेज़ी से वृद्धि देखने को मिल रही है। अगला है कि नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट यह मनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और पहली बार यह 1984 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है आई थिंक यहाँ पर, कि हाल ही में किस देश ने रूस से तेल गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। देखिए जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई थी तो उस समय क्या किया, अमेरिका ने इसके आर्थिक इकोनॉमिक पर कड़ा प्रभाव प्रहार करते हुए उसने क्या किया कि गैस और कोयले के आयात पर, तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन, बाकी चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक आप हमारी बात सुन रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही है। डियर स्टूडेंट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।